राजेंद्र नगर स्थित कुष्ठ आश्रम समिति की बैठक जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कार्यालय के कक्ष में संपन्न हुआ। बैठक में समिति के सचिव सुरेश सिंह, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, नगर आयुक्त अविनाश सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव सहित समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे। बैठक में कुष्ठ आश्रम समिति की नई कार्यकारिणी का चयन भी किया गया, जिसमें सुरेश सिंह को समिति का दोबारा सचिव बनाया गया। बैठक में कुष्ठ आश्रम की दुकानों के किरायों की वसूली सहित कुष्ठ आश्रम परिसर में नव निर्माण के संबंध में चर्चा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने कुष्ठ आश्रम से प्राप्त होने वाले आय व्यय की समीक्षा की तथा खाली पड़े हुए जमीन पर अन्य योजना शुरू करने की बात कही और पिछले बैठक की कार्यवृत्ति की भी समीक्षा की। बैठक के पश्चात गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कुष्ठ आश्रम समिति के सचिव सुरेश सिंह ने कहा, कुष्ठ आश्रम की मीटिंग जो है एक एनुअल मीटिंग है जिसमें चुनाव भी हुआ है और पिछले साल बस 21 और 20-21 का जो है वो अकाउंट्स भी फाइनल हुआ है, ऑडिटेड अकाउंट है। चुनाव में चुनाव प्रक्रिया पे जिसमें डीएम साहब अध्यक्ष हैं और बाकी सभी कमेटी मेंबर्स में मुझे सचिव चुना गया है और बाकी सब इसमें है। नई कुछ नए सदस्य भी चुने गए, नए सदस्यों के लिए इनवाइट किया जा रहा है कि अगर कोई अच्छे लोग आएंगे तो सबको जोड़ेंगे। कुछ और कुछ वहाँ पर कुछ क्या नाम है, कुछ आश्रम में कुछ चीज़ों कंस्ट्रक्शन के लिए जैसे ओल्ड एज होम के लिए बनाना पड़ेगा और जो मानसिक बुद्धि के लोग हैं उसमें उन लोगों के लिए घर का प्रॉपर एक्सटेंशन वगैरह करना है और उसके लिए सचिव जीडीए साहब परसों जाएंगे और वहाँ जा करके मौके स्थल का निरीक्षण करके जैसा होगा उसकी फेंसिंग वगैरह भी जो बाहर की बाउंड्री है उसको ऊंचा कराना।